उत्तराखंड को यूं ही देवों की स्थली नहीं कहा जाता, यहाँ कदम कदम पर देवों के धाम है। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट भी उन सिद्ध पीठों में से एक है जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन मकर संक्रांति पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। जिया रानी वो राजमाता जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया। जिया रानी जो कत्यूरी वंश की इष्ट देवी हैं, जिया रानी माता का मंदिर रानीबाग चित्रशिला घाट पर स्थित है। मकर संक्रांति के अवसर पर कत्यूर वंश के लोग यहां माता जिया रानी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और पवित्र गौला नदी में स्नान कर अपने घरों को लौटते हैं। कौन थी जिया रानी और मकर संक्रांति के अवसर पर क्यों होती है उनकी विशेष पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। कत्यूर वंश की आराध्य देवी जिया माता जिन्होंने मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया। लगभग 800 साल पहले कत्यूरी राजवंश का राज्य था जिनकी कत्यूरी घाटी बागेश्वर हुआ करती थी। कत्यूरी राजवंश की रानी जिया रानी थी। 12वीं शताब्दी में मुगल और तुर्कों का शासन बढ़ता चला गया। मुगलों ने उत्तराखंड को उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उसको लूटने के लिए गढ़वाल में हरिद्वार और कुमाऊं में हल्द्वानी को अपना रास्ता बनाया, लेकिन इस दौरान मुगलों को कत्यूरी सेना से मुंह की खानी पड़ी और वो युद्ध हार गए। जिया रानी जब बड़ी हुई तो अपने राज्य का कार्यभार देखने के लिए गौला नदी के घाट पर आ गई, जहां उन्होंने एक बाग बनवाया और इस पूरे इलाके का नाम रानीबाग पड़ गया। तुर्क जब 1645 ईस्वी के लगभग रोहिलखंड से पर्वतीय क्षेत्र में आक्रमण के लिए आए तो राजमाता जिया रानी जी ने अपने पुत्र धामदेव जी और अपने देवर ब्रह्मदेव जी के साथ यहाँ पर संचालन किया युद्ध का, और इस रानीबाग में उन्हें तुर्क मुगलों को यहाँ से खदेड़ बाहर किया और पीलीभीत से नीचे जाने के लिए उनको बाध्य कर दिया। जिया रानी शिव जी की अनन्य भक्त थी। बताया जाता है कि वो रानीबाग गौला नदी के तट पर चित्रेश्वर महादेव यानी कि शिवजी के दर्शन करने आई थी, तो स्नान करने के दौरान मुगल दीवान उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। मुगल सैनिकों से लड़ते लड़ते उस स्थान को अपवित्र होने से बचाने के लिए जिया रानी वहां से अंतर ध्यान हो गई। बताया जाता है कि जिया रानी ने उस समय अपना लहंगा उसी स्थान पर छोड़ दिया और जब मुगलों ने लहंगे को छूकर जिया रानी को ढूंढना चाहा तो लहंगा पत्थर की शिला में तब्दील हो गया और मुगलों को जिया रानी का कोई अता पता नहीं चल सका। ये पत्थर आज भी चित्रशिला घाट पर मौजूद है और मकर संक्रांति के दिन लोग यहाँ पर जिया रानी के नाम की पूजा अर्चना कर उनके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। उसके बाद कुछ समय यहाँ 12 साल रही, 12 साल यहाँ तपस्या की उन्हें शिव जी की। यहाँ पर नहाती थी नदी में और रोज़ सुबह शाम उठती थी, सुबह बृहदेश्वर मंदिर में पूजा करती थी। पूजा के बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद तुर्क लोग आवाए, अब ये क्या बोलते हैं आपके हरिद्वार से आगे की ओर बढ़े, तो उनके किसी सेनापति ने या उनके सामंत ने माता को देखा होगा, माता स्नान कर रही थी कहते हैं, ये कहावत है। तो स्नान करने में जब किया गया, माता ने अपने घाघरा को बिछाया था, जब वो आए तो अपने को उन्होंने लुप्त हो गए, लड़ाई की हराया उनको लुप्त हो गए। चित्रशिला घाट के ठीक ऊपर माता जिया रानी की गुफा भी है। बताया जाता है कि जब मुगलों ने जिया रानी का पीछा किया तो वो अंतर ध्यान होकर इस गुफा में आकर छिप गई। जिया रानी की गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। काका साहब, ये इतिहास है कि जिया रानी जो है यहाँ पर रह के शिव जी की आराधना किया करती थी, और ये जो पीछे लिंग यह है ये शिवलिंग है, ये शिव की आराधना जो है जिया रानी यहाँ पर रह के किया करती थी, गुफा में निवास करती थी, और वहाँ जो है मुगलों से यहाँ जो है उनका संग्राम हुआ, उसके बाद जो है गुफा में ही जाके वो अंतर ध्यान हो गई है। मकर संक्रांति पर कत्यूरी वंश के लोग यहां आकर माता जिया रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता जिया रानी यहां प्रकट होकर उन्हें अपना आशीर्वाद भी दे रही हैं। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर माता जिया रानी के दरबार में यहां मेला भी लगता है। कत्यूर वंश की आराध्य देवी जिया माता जिन्होंने मुगल सेना से डट कर मुकाबला किया, इसी जगह का नाम माता जब यहाँ पर आई है उसके बाद ही रानीबाग इस जगह का नाम है। चित्रशिला घाट ये है, आप देखिए एक शिला यहाँ पर मौजूद है जिसमें बहुत सारे पत्थर जुड़े हुए दिखाई देते हैं।
फिर देखो आप इसकी कहानी ये बताई जाती है कि जब माता यहाँ पर कि आपको साधना कर रही थी कोई बीमारी भी नहीं भगवान शिव की, उस दौरान मुगल सेना ने उन पर आक्रमण किया तो माता ने अपने वस्त्र यहाँ पर रख दिए और जब उन कपड़ों को मुगलों ने छूने की कोशिश की तो उन्होंने शिला का रूप लिया। जो बहुत ही मकर संक्रांत के दिन उसको जो कत्यूर वंश लोग होते हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर जागर कर माता को प्रसन्न करने की, माता का आशीर्वाद लेने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और ये मनोकामनाएं मांगी जाती हैं कि माता उन पर प्रसन्न रहे और अपनी कृपा दृष्टि सभी कत्यूर वंशों पर बनाई रखे। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब के सिटी में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।